Good morning, students. Yesterday we discussed the benefits of e-commerce to business firms. Okay, that is the firms who are engaged in e-commerce. What benefit do they get? Now we are going to discuss the benefits of e-commerce to the consumers and to the society. So first benefit is flexibility. It is not a rigid system of buying as traditional market is. It offers a lot of flexibility to the consumers. Consumers, as per their convenience, can purchase goods and services from online market, right? Second is competitive prices and discounts. Because bete, one shopping app offers you products from different traders. So if you've been experimenting with online shopping, you must have seen ke agar aap koi particular cheez cart mein dalte ho, aapko pasand aati hai, uska price mentioned hota hai, to niche likha aa jata hai, see other buying options. So when you click on that, you will come to know that the same product is available with other sellers and he might be offering you that product at different price, competitive price. So instead of going from one shop to another, you can get the benefit of competitive price at the click of the mouse. Now to at the fingertip, right? Earlier, we used to do shopping on using desktop, laptop, and now it is being done on your mobiles. Then more options, choices, and customized products. So naturally, agar aapko traditional मार्केट में ज्यादा ऑप्शंस चाहिए, ज्यादा चॉइस चाहिए, आपको उतनी ज्यादा शॉप्स घूमनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे उसी जगह पे बैठे, एक ही सीट पे बैठे आपको ज्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स के, एंड यू कैन इवन गेट योर प्रोडक्ट्स कस्टमाइज्ड। जैसे जैसे बेटे कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, आपने देखा होगा आपके सामने भी कितनी ऑनलाइन साइट्स अभी अराइज नई नई आ रही है, है ना? तो इसका मतलब उनमें भी कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। सो कॉम्पिटिशन से आग में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए आपको कुछ डिफरेंट अपने कस्टमर को देना पड़ता है। तो आजकल कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट आप देखते हो, जैसे अब राखी आ रही है, सो मेनी ऑफ देम आर ऑफरिंग कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स लाइक कुशंस, लाइक मग्स, कैंडल्स, फोटो फ्रेम्स, है ना? विद द पिक्स यू कैन गिव देम पिक्स ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर एंड दे गेट इट कस्टमाइज्ड एज पर योर चॉइस, है ना? सो दिस इज अ बेनिफिट टू द कस्टमर्स. Then quick and timely delivery is there. Sometimes you place order today and in the morning 9 o'clock the Amazon person is there at your doorstep. Okay, so quick delivery is option is there. And if you want कि आप अपनी delivery ज़्यादा quick कराना चाहते हो, तो by paying some extra charges you can order it. Okay, then employment potential is there. You can see the direct as well as indirect employment being given by these e-commerce options. ठीक है? आप देखो फेसबुक खोलो, आपको हर पर्सन कुछ ना कुछ बेचता ही नजर आता है. Have you noticed this? Of late, especially ladies, housewives, they are now engaged in selling. So that is, they are engaged in e-commerce only. That's e-commerce. ठीक है? So जब आप ई कॉमर्स में इंगेज होते हो, एक तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, उसके अलावा कुरियर पर्सन को, डिलीवरी पर्सन को, इंश्योरेंस को, इन सबको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, काम मिलता है. जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं ना बेटे, एक तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आती है, उसके साथ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है. जैसे मोबाइल फोन बनाने की एक फर्म अगर सेटअप हुई तो उसे मोबाइल फर्म में तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी होगी, इसके अलावा मोबाइल्स ट्रांसपोर्ट होने एक जगह से दूसरी जगह, डीलर्स आपको चाहिए, इवन रिपेयर के लिए पर्सन्स चाहिए, सर्विस सेंटर के लिए पर्सन्स चाहिए, तो ये वाली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है. ठीक है? सो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इज देयर. देन इंटरेक्शन विद द कंज्यूमर्स, सो इट्स नॉट ओनली अ वन वे ट्रेडिंग दीज डेज, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत इवॉल्व हो गया है ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम भी, तो अब कस्टमर के साथ इंटरेक्शन, मेनी अ साइट्स यू नो
जब आप उनको ओपन करते हो वहां पे एक चैट का ऑप्शन बना आता है, चैट विद द कस्टमर. आपको कई बार समझ में नहीं आता है, स्पेशली हाईली प्राइस्ड गुड्स होते हैं जो, जैसे कि ज्वेलरी हो गई है ना. इवन जो टाटा का एक ब्रांड है ज्वेलरी का, तनिष्क, डू यू नो दैट? तो इट इज ऑल्सो ऑफरिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट. लेंस कार्ड पता है आपको? पता है लेंस कार्ड? घर में आके आपको फ्रेम्स आपने जो शॉर्ट लिस्ट करे हैं वो आपको दिखा देते हैं, आप उनको ट्राई करिए, पसंद आया रख लीजिए, नहीं पसंद आया वापस भेज दीजिए. सो और इससे अलावा इसकी इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, है ना? ये इंटरेक्शन है कस्टमर के साथ. मोर ओवर फिर चैट पे आप जिस टाइम मर्जी आप चैट कर सकते हो पर्सन के साथ, है ना, कि आपको ये प्रोडक्ट में डाउट लग रहा है, आपने चेन देखी, आपने देखना इसकी लेंथ कितनी है, तो यू कैन चैट विद हिम, है ना, उससे आपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. देन वाइडर आउटरीच, ये दोनों का बेनिफिट है, फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस एज वेल एज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कस्टमर. ठीक है, कस्टमर भी कई बार गाँव में बैठे जो कस्टमर हैं उनको शहरों में आना पड़ता था, सिटीज में आके शॉपिंग करनी पड़ती थी, अब वो अमेजोन तो उनके घर में है, तो वो अगर करेंगे वहां पे ऑर्डर तो उनके घर तक सामान पहुंच जाएगा. ठीक है, सो दीज आर दी बेनिफिट्स टू दी कस्टमर्स. ठीक है, सो नाउ दैट वी हैव रेड अ मच अबाउट ई बिजनेस, वी हैव डन इट स्कोप, let's see what are the points of differences between traditional business and e-business. We will be making comparison of traditional business and e-business. Anyone? Any point which come across your mind? Difference between traditional business and e-business. बेटे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फॉर्मेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस इज इट इजी टू फॉर्म और डिफिकल्ट टू फॉर्म? डिफिकल्ट टू फॉर्म. वेयर एज ई बिजनेस इज सिंपल टू फॉर्म. ठीक है, यू नीड टू गो थ्रू लॉट्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज इफ यू वॉन्ट टू सेटअप अ ट्रेडिशनल बिजनेस, वेयर एज इन केस ऑफ ई बिजनेस इट इज सिंपल. Then, physical presence. Second point of difference is physical presence. Is physical presence required in traditional business? Yes. Whereas in case of e-business, it's not required. If you are having an online shopping site, customer is placing order, your system is accepting it. You don't need to be there. Hai na? आपको अगर कुछ टाइम के लिए जाना है, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप शॉप बंद करके जाओगे, उस टाइम तक आपके कस्टमर्स जो आएंगे वो उनको वापस जाना पड़ेगा, यू विल बी लूजिंग योर कस्टमर्स. वेयर एज इन केस ऑफ ई बिजनेस यू हैव टू गो समवेयर, आपका सिस्टम ऑन है, पीछे से कोई भी आपको ऑर्डर प्लेस होता है तो आपका सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेता है, सॉफ्टवेयर आपने इस तरह का डलवाया हुआ है. ठीक है, सो physical presence is not required in case of e-business. Then locational requirements. Locational requirements का मतलब है आपके जब आप traditional business setup करते हो या e-business setup करते हो तो locational requirement कौन से type of business में देखनी पड़ती है? Traditional क्या देखना पड़ता है आपको उसमें? It should be close to the source of raw material or it should be close to the market. अगर आप manufacturing firm खोल रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये ना हो कि आपका रॉ मटीरियल केरला से आ रहा है, पंजाब में खोल रहे हो और उसके आने की कॉस्ट से रॉ मटीरियल की कॉस्ट डबल हो जाए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डाल के. सो यू ट्राई टू सेट अप योर मैन्युफैक्चरिंग फर्म क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल. और इफ यू आर इन ट्रेडिंग बिजनेस व्हाट डू यू ट्राई टू सी? मार्केट, प्राइम लोकेशन हो, मार्केट के नजदीक हो, है ना. तो लेकिन ये दोनों फैक्टर्स क्या आपको ई बिजनेस में माइंड में रखने पड़ते हैं? इज देयर एनी लोकेशनल रिक्वायरमेंट? डू वी नीड टू सी द ऑफिस? डू वी नीड टू कंसिडर
वो दैट प्लेस फॉर द ऑफिस विच इज क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोज टू द मार्केट, नो. सो नो लोकेशनल रिक्वायरमेंट्स आर नीडेड इन ई बिजनेस. ओके, देन कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, हाई इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस एंड लो इन केस ऑफ, why low? There is no need for physical facilities. आपको मशीनरी, लैंड, चलो ई मशीनरी की बात छोड़ दें, शोरूम, फर्नीचर, ऐसी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है. देन ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ऑल्सो हाई ड्यू टू फिक्स्ड चार्जेस विच आर एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज. आपके जो इन्वेस्टमेंट के साथ फिक्स्ड चार्जेस एसोसिएटेड हैं वो आपको इनकर करने ही पड़ते हैं. लाइक आपको गुड्स प्रोक्योर करने में इन्वेस्टमेंट लगेगी. अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप करते हो, दैट डे ओनली आई टोल्ड यू, यू वांट टू बाय अ न्यू मोबाइल, यू वेंट टू द शोरूम, आप डीलर के पास गए, डीलर ने अगर आपको डमीज दिखा दी और बोला कि इसमें से जो पसंद है वो बता दो मेरे को और मैं आपको दो चार दिनों में मंगवा दूंगा, यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड. आजकल का तो कस्टमर ऐसा है, वो कहता है मेरे को डिब्बा खोल के और मेरे को फोन ऑपरेट करके देखना है. ठीक है, तो इसका मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए उसको मोबाइल प्रोक्योर करके खरीद के स्टॉक उसका रखना पड़ेगा. प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट आ गई, फिर स्टोरेज की कॉस्ट, उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा क्योंकि सम गुड्स आर हैवी इन वेट, वो आपके शोरूम में नहीं आते हैं तो उसको आपको गोडाउन वगैरह में रखना पड़ता है. ठीक है, और फिर अगर आप प्रोड्यूसर हो तो प्रोडक्शन की कॉस्ट, मार्केटिंग की कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, ये सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती हैं विच हैव टू बी इनकर्ड इन ट्रेडिशनल बिजनेस. ई बिजनेस में भी होती हैं लेकिन लो होती हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे जो हम रिलाय कर रहे हैं, वी आर रिलाइंग ऑन द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स, वी आर नॉट रिलाइंग ऑन द ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज. We are not owning the resources. We are relying on the network of relationships. हमने एक network establish कर लिया है relationship का, so we are relying on that. We are not relying on the owning the assets. हम assets own नहीं कर रहे हैं, हम जो दूसरों के assets जिन्होंने own किए हुए हैं उनसे procure करके और आगे दे रहे हैं. ठीक है, then nature of contact with suppliers and customers, suppliers or customers ka contact traditional business mein kya hota hai, indirect ya direct? Traditional business mein direct hota hai. Okay, when you go to buy a Samsung phone, are you directly dealing with the Samsung phone producer? You are dealing with the dealer who is an intermediary. So here the contact, nature of contact of supplier and customer is indirect. The contact is established through intermediaries. Whereas, agar aapne online Tanishq se shopping ki, Lenskart se shopping ki, your contact is direct. ठीक है, फर्म के साथ आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, बीच में कोई इंटरमीडिएरी नहीं है. ओके, देन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच. इंटरपर्सनल टच, जब आप शॉप पे जाते हो तो पर्सनल टच ज्यादा होता है, या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, स्क्रॉल करते हो तो ज्यादा होता है ट्रेडिशनल बिजनेस? ठीक है, सो अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच इज मच मोर
in case of traditional business as compared to that of customer or supplier ka hi. डाल सकता है, तभी मैंने कहा, ये नहीं कहा कि नहीं है पर्सनल टच, आई सेड इट्स लेस, ठीक है. सो आपके हर एक के एरिया में एक जनरल शॉप, जनरल स्टोर होता है ना, जहाँ पे आप छोटे होते थे तो शायद टॉयज लेने जाते थे, चिप्स चॉकलेट्स लेने जाते थे. आज आपको नोटबुक चाहिए, इमरजेंसी पेन चाहिए, ठीक है, या घर में कोई चीज खत्म होगी तो मम्मा वहां भेज देते हैं, वो ले आओ. तो पर्सनल टच, क्योंकि वो आपके एरिया का ही पर्सन है, तो यू बी इन गुड यू नो ट्यूनिंग विद दैट पर्सन. एक आपकी मन में उसके लिए रिस्पेक्ट है, एक पर्सनल टच है. कभी आपके पास पैसे भी छुट्टे नहीं है तो आप बोल देते हो कि कल दे जाएंगे, होता है ऐसे? ऑनलाइन में इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है. तो ऑनलाइन में जो पर्सनल टच है वो पॉसिबल नहीं है. देन another point of difference is that opportunity for physical pre-sampling of the products. ध्यान से समझिएगा, basis देखो, opportunity for physical pre-sampling of the product. जो traditional business होता है, let's say water taps बनाती है एक firm, है ना, अब उसको order लेने all over the India से. हर एक कोई अपना business expand करना चाहता है, वो जलंधर में ही तो नहीं बेचेगा, वो ऑल ओवर दी कंट्री बेचना चाहता है अपने प्रोडक्ट्स, तो वो एक एजेंट रख लेता है, एजेंट को अपने टैप्स की सैंपल दे देता है, और वो एजेंट अलग अलग जगह पे घूम के सैंपल्स दिखा के शॉपकीपर्स को और ऑर्डर्स प्रोक्योर करता है, करते ऐसा ही होता है. डू यू नो, सो विच मीन्स अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल प्री सैंपलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स is much more in traditional business. In case of e-businesses, it is less. However, for digitable products, such an opportunity is tremendous. You can pre-sample music, books, journals, software, videos, etc. Samjho? Jo ordinary products hai, उनके केस में प्री सैंपलिंग की अपॉर्चुनिटी कम है, लेकिन जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, आजकल डिजिटल बुक्स आ गई हैं, म्यूजिक एल्बम्स हैं जो कि डिजिटल मीडिया पे रिलीज होते हैं, वेब सीरीज है, मूवीज है जो कि डिजिटल मीडिया पे रिलीज होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स हैं, तो यूट्यूबर्स हैं, देखो कितने, वो भी क्या करते हैं, अपना टीजर देते हैं ना, पूरा एल्बम रिलीज करने से पहले एक टीजर देते हैं. टीजर इज अनदर नेम फॉर ट्रेलर ओनली, है ना. पहले एक मूवी का ट्रेलर आता होता था जिसके बेसिस पर हम डिसाइड करते थे ये मूवी हमने देखने जाना है कि नहीं देखने जाना, हमारी लाइकिंग की है या नहीं है, अच्छी है या नहीं है, वो ट्रेलर से हम डिसाइड. ट्रेलर क्या होता है, एक सैंपल होता है. तो आजकल भी ऐसा हो रहा है या नहीं, दिस इज सैंपलिंग. But this is in case of digital products. जो physical products हैं, उनके case में sampling possible नहीं है या कम है. ऐसा नहीं है कि possible तो आज के time पे कुछ भी नहीं है. आप देखो, पहले अब हमें लगता था online shopping करने से लोग डरते थे, specially कपड़ों की shopping, कैसी fitting होगी, क्या होगा. आज वो 360 degree वाला option है या नहीं, आप व्यू 360 करो, वो आपको प्रोडक्ट पूरा घुमा के दिखा देते हैं. सो उससे आपको क्लैरिटी हो जाती है. फिर आपको अगर क्लॉथ्स है तो मॉडल्स का पहले फोटोग्राफ्स होती थी, अब वीडियोस भी आ जाते हैं, फिर आपको साइज चार्ट भी आ जाता है, फिर आपके पास रिटर्न की ऑप्शन भी है, ठीक है. सो विद ऑल दीज इनोवेशंस, दैट्स व्हाई यू नो ऑनलाइन शॉपिंग हैज बिकम मच पॉपुलर. एक फैक्टर कोविड भी रहा कि घर बैठे लोगों ने बाहर नहीं निकलना तो ऑनलाइन के ऊपर स्ट्रेस करना शुरू कर दिया. बट जिस तरह से टाइम चेंज हो रहा है, दिस इज एन इमर्जिंग मोड, सो ऑफ कोर्स दिस विल कम आउट, ठीक है. सो लास्ट पॉइंट कर लेते हैं, ईज ऑफ गोइंग ग्लोबल. आपने अपने
बिजनेस को ग्लोबल लेके जाना है, ट्रेडिशनल में इजी है या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है. वेयर एज इन केस ऑफ ई बिजनेस इट इज इजी. ठीक है, चलो ये हो गए बेटे हमारे differences. So let's discuss some of the benefits of e-business. अभी हमने benefits e-commerce के किए थे ना. So let us discuss the benefits of e-business. So obviously similar है क्योंकि e-commerce is a part of e-business. So let's see. First benefit, ease of formation and low investment requirements, isn't it? जिस तरह में से traditional business requires procedures, lot of procedural formalities for setting up an industry, e-business is relatively easy to start. So, and the benefits of internet technology accrue to the big or small business alike. आप ये नहीं कह सकते traditional business में क्या होता है, बड़ी firms को ज्यादा benefits मिलते हैं, economies of scale मिलती हैं. Small business कई बारी survive नहीं कर पाते क्योंकि उनको large scale business से competition बहुत strong मिलता है और वो उसको झेल नहीं पाते हैं. लेकिन जब आप ई बिजनेस में अपना, आप ट्रेडिशनल से ई बिजनेस की तरफ गए, एक तरफ ए फर्म गई विच इज अ बिग फर्म, दूसरी तरफ बी फर्म गई विच इज अ स्मॉल फर्म, जो बेनिफिट्स हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी के वो ए और बी को, दोनों को एक जैसे मिलेंगे. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बी फर्म को इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स कम मिलेंगे क्योंकि उसका साइज स्मॉलर है. बोथ विल गेट सेम काइंड ऑफ बेनिफिट्स. ठीक है, सो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट की कमी है तो भी आप ई बिजनेस खोल सकते हैं. सो विच मीन्स ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स. सेकेंड, convenience. Internet offers convenience of 24 hours into 7 days a week into 365 days a year business. है ना, एक दिन में 24 घंटे आप business कर सकते हो, एक हफ्ते में आप सातों दिन business कर सकते हो, और एक साल में आप पूरे 365 डेज बिजनेस कर सकते हो. सो फ्लेक्सिबिलिटी है, कन्वीनियंस है. सो इट इज अ बिजनेस इनेबल्ड एंड एनहेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इट ऑफर्स द एडवांटेज ऑफ एक्सेसिंग एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम. ठीक है, राइट नाउ यू कैन टेक आउट योर मोबाइल एंड एक्सेस स्कूल शूज. यू आर नॉट वेयरिंग स्कूल शूज, आई मे आस्क यू टू बाय स्कूल शूज राइट नाउ. सो यू कैन एक्सेस स्कूल शूज राइट नाउ, एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम. सो कन्वीनियंस, स्पीड. नेक्स्ट बेनिफिट इज speed. So bete, much of the buying and selling involves exchange of information that internet allows at the click of the mouse. Jab bhi hum buying karte hain ya seller selling karta hai, we need to exchange information, and that information at the click of the mouse aapke paas aa jati hai. Abhi maine bataya chat box khula hai, आप बात कर लो उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ, है ना. लेकिन इमेजिन इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है,
तो आज आप अपने उनको लेटर लिख रहे हो कि ये कैसा प्रोडक्ट है, वो पर उनके पास 4 दिन बाद पहुंचेगी, फिर उनके पास इतनी ढेरों लेटर्स पड़ी हुई हैं, वो एक एक लेटर खोल के उसका रिप्लाई करेंगे, फिर पोस्ट करेंगे, फिर आपके पास आएगी, ठीक है। सो नाउ विद द यूज ऑफ इंटरनेट दिस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बिकम क्वाइट अ स्पीडियर प्रोसेस। सो ये जो बेनिफिट है स्पीड का, इट बिकम्स ऑल द मोर अट्रैक्टिव इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। व्हाट वुड यू मीन बाय इंफॉर्मेशन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स? लाइक बुक्स, मूवीज, सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स विच आर इंफॉर्मेशन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स, तो इन केस में जो स्पीड है वो, क्योंकि इंटरनेट से हम एकदम दिखा सकते हैं। राइट नाउ इफ आई हैव लॉन्च्ड अ बुक, आई कैन शेयर माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू एंड यू कैन सी द टाइटल ऑफ माय बुक, द टॉपिक ऑफ माय बुक, आई कैन मेक द पब्लिसिटी ऑफ माय बुक बाय जस्ट बाय शेयरिंग स्क्रीन विद यू पीपल बाय होल्डिंग अ मीटिंग ऑन जूम, वेबएक्स, गूगल, है ना। सो स्पीड जो है, दिस इज यू नो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। ग्लोबल रीच, ये क्लियर है सबको। लास्ट इज मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। सो वी आर बिकमिंग एनवायरमेंटल कॉन्शियस, तो पेपर का यूज हम डिस्कार्ड कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि पेपर कहां से बनता है? वुड से बनता है। वी वॉन्ट टू सेव वुड, for that we have to say paper, so this is a mission towards a paperless society. So that's all for today.